हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी जो जिस टाइम पे देख रहा हो। हाँ, तो आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बच्चों आज अगला हेडिंग पढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग है, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट डायमेंशंस, ये सब हम पढ़े थे। तो आज में जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हिंदी में है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों एक बिंदु आवेश है, एक पॉइंट चार्ज है और एक ऐसे मीडियम में रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। इससे इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो फॉर दिस इसके लिए हम पॉइंट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बिंदु पी पर रखते हैं। जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बिंदु पी पर रखते हैं तो बच्चों क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दोगे, ये प्लस पहले से है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो उधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कार्य करेगा उधर करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 × K, और फोर्स होता है Q Q0/r². ये बच्चों हो गया। तो अगर वहां पे फोर्स पता चल गया उसके बाद कहेंगे डिफिनिशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफिनिशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बच्चों डिफिनेशन होता है वो ये होता है, इज इक्वल टू F/Q0 होता है। तो अभी स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं, अभी वेक्टर में ले देंगे। यहाँ वेक्टर लिखना है तो वेक्टर F करके लिखा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ मैग्नीट्यूड अभी रख रहे हैं, लास्ट में बदल देंगे। तो एफ ई 1/Q0 यहाँ रहने दो, एफ ई के स्थान में जो आप वैल्यू निकाले हो वो यहाँ पे रखें। तो ये 1/4πε0 K × Q Q0/r². Q0 से Q0 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K × Q/r². ये E बराबर बच्चों, एक तो ये हुआ, ये भी फार्मूला होगा। एक चीज और मैं कह रहा हूं जो कि हम आगे नोट में भी लिखवाएंगे आपको, देख रहे हैं K है, शुरुआत में हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट चार्ज प्लस Q है, और ये जो है एक ऐसे मीडियम में रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन है। तो ऐसी दशा में ये के का मान वहां पे आया है, एप्सिलॉन आर होता है, के या एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही चीज है। तो ये परी हुआ। अब यहां हम देख रहे हैं ये कि अगर के बराबर 2 हो जाए, ये K का मान होगा, उसकी वैल्यू होती है K = 2 हो जाए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ए वायु अथवा निर्वात की तुलना में आधा हो जाएगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं फॉर एयर आर वैक्यूम K = 1 होता। ऐसी दशा में ई बराबर आया बच्चों 1/4πε0 × Q/r². तो इससे इसमें क्या अंतर आ रहा है बच्चों, ये एयर आर वैक्यूम की है, एक पॉइंट चार्ज एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका एयर आर वैक्यूम में अगर है और उससे स्मॉल आर दूरी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो हम बच्चों वहां पर पहले जहां पे ज्ञात करना है वहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं। तो ये चेहरा मिला बच्चों, तो इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इन वेक्टर
इन वेक्टर फॉर्म, बच्चों वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आपको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, तो ये है वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4πε0 into q/r के स्थान पे मॉड वेक्टर r का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो एक ही चीज है, इंटू क्या r कैप, चाहे r का होल स्क्वायर लिखे जैसे मॉड वेक्टर r का होल स्क्वायर लिखे, दोनों एक ही बात है। अब ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये भी वेक्टर फॉर्म में है, ये भी लिखा है तब भी सही है, या और इसे करें 1/4πε0 into q/r² ये r कैप जो है, r कैप बराबर होता है वेक्टर r अपान मॉड वेक्टर r, ये हो गया। अब ये दोनों सेम चीज है तो होल क्यू भी कर सकते हैं, तो आया 1/4πε0 into q/r³ और यहां आएगा वेक्टर r। अब ये मत सोचना कि ये क्यूब हो गया है, अब भी ये स्क्वायर है, जब इसको विस्तार करोगे इस रूप में तो फिर नहीं चला जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में ये भी कोई कहे तो ये भी सही है, और ये भी कोई कहे तो ये भी सही है, सब वेक्टर फॉर्म में है, ये लिख दे तभी सही माना जाएगा, ये लिख दे तभी सही माना जाएगा, ये लिख दे तभी सही माना जाएगा। हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकता है कोई, वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 into q/r³ भी कोई लिख दे, और r वेक्टर लिख दे तब भी कोई बात नहीं है, तब भी ठीक है, ये तो बुरा है ही है। तो इतना बच्चों, ये क्या है, r मतलब अथवा के लिए आया है, चलो टाओ वहां, ये सब वेक्टर फॉर्म में आपका आया। तो ये हेडिंग बच्चों एकदम कंप्लीट हो गया है डेरिवेशन, हम समझते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये कहिए कि ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको ये ध्यान देना है कि प्लस क्यू चार्ज है तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की ओर सब निकलती है, और अगर प्लस क्यू चार्ज है उससे कुछ दूरी पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज चार्ज रहते हैं, जो कि पॉजिटिव होता ही है, तो रिपल्सन फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कार्य करेगा। अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फोर्स जो है अट्रैक्शन कार्य करता, बसरते डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स द प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है बच्चों, वो अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से ज्यादा है। तो फिर एक बार आप इसे देख लें, तो बच्चों इंटेंसिटी, यहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहा है चारों तरफ, यहां कितना है ये जांच करना है, चेक करना है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख देंगे, रख देंगे तो क्या होगा, जाहिर है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैं निकाल लूंगा, निकाल लिया साहब। अब डिफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या कहता हो, परिभाषा ये है कि फोर्स अपान फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जाहिर है कि बच्चों इसको 1/q करके अलग साइड में कर लिया है, या फी के वैल्यू ये रख दिया है, अरे वही क्यू नॉट से आप भाग दोगे तो कट जाएगा, तो जाहिर है क्यू नॉट, अब हमारा क्यू नॉट आंसर में आया ही नहीं है, तो जाहिर है वो चेक करने के लिए रखा गया है तो कैसे आएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला तो आया, लेकिन ये शुरू में हम मान के चले हैं कि हमारा प्लस क्यू चार्ज एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अगर ये एयर यहाँ वाटर रख दिया जाता तो के का मान 81 रखते, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का 80वां भाग रह जाता, मतलब ई मतलब ये मीडियम वाला है, ये बिना मीडियम वाला है, तो ये बहुत कम हो जाता है, 1/80वां भाग रह जाता। तो इसका मतलब है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कमजोर होता है, कम होता है। तो बच्चों आप इसे उतार लीजिए, तो हाँ विद्यार्थी, तो हम लोग ज्ञात किए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो E इक्वल टू आया था मैग्नीट्यूड में 1/4πε0 into q/r²
या यहाँ के लिखा करें, हमेशा इतना भीड़ ना लिखा करें, ऐसा भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, कितना अच्छा लगता है, समय बचेगा, मतलब वही है। तो इज इक्वल टू आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया, तो हम लोग ई और आर के बीच क्या खींच ले, ग्राफ खींच लेते हैं। तो ई और आर के बीच ग्राफ खींच लेते हैं, तो ई और ग्राफ इस टाइप से आएगा बच्चों। ई यहाँ पे जो आया था वो पॉइंट चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ये, और ये डायरेक्शन क्या माना जाता है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलेगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर के, इसलिए इस प्रकार से ग्राफ बना। तो आर का मान जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता चला जाएगा, ये ग्राफ नीचे की ओर उतरना माने घटना। और आर बराबर जब आर इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा तो ई किसकी ओर बढ़ेगा, जीरो की ओर बढ़ेगा। तो ये अंत में क्या हो जाएगा, ग्राफ नीचे की ओर उतरना मतलब अंत में क्या हो जाएगा, जब आर बराबर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब इतना आसान नहीं है इनफाइनाइट मिलना, ऐसे कह दिया। एक चीज और, अब एक लड़का एक और शरारत कर सकता है, अगर कोई कहे आर बराबर जीरो तब सर जी, तो तब के केस में दिक्कत है, आर बराबर जीरो करोगे भाई तो ये इनफाइनाइट हो गया, तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अपने ही बिंदु पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, लेकिन इसके अपने ही बिंदु पर खुद के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है, इसका ये मतलब है। ये डिफाइन नहीं है, आर इक्वल टू जीरो रख दोगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, ये जो है डिफाइन ही नहीं है। मतलब अपने ही चार्ज के कारण अपने ही स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं उत्पन्न होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो ये ग्राफ उतारिए, फिर अगला हेडिंग हम पढ़ाएं। तो हाँ विद्यार्थी, हम लोग अभी पढ़े इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ए पॉइंट चार्ज मतलब एक बिंदु आवेश के कारण हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े। और हमारा अगला हेडिंग बच्चों उसी से जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वाला केस, वो हमेशा लागू हो रहा है, फोर्स पे भी लागू हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी लागू हो रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ ए चार्ज, सिस्टम ऑफ ए चार्ज मतलब एक सिस्टम है जो कई चार्जों से मिलकर बना है। तो एक सिस्टम मैं आपको फिगर के रूप में यहां दिखाऊं, माना प्लस क्यू वन है, माइनस क्यू टू है, प्लस क्यू थ्री है, और इन तीनों के कारण तीन ही दिखाया हूं, तीन मतलब कई हो सकते हैं, न्यूनतम तीन ही दिखाया हूं। तो इस पॉइंट ओ पर इन तीनों के कारण रिजल्टेंट ई नेट चाहिए हमको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक सिस्टम है, इन तीनों निकायों के कारण ओ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये प्लस क्यू वन चार्ज है, यहां पर ये क्या होगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज से आवे होता है, दूर इधर जाएगा। ये प्लस क्यू थ्री, ये भी पॉजिटिव है, ये भी इधर की ओर होगा, दूर जाएगा। और ये माइनस क्यू टू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवार्ड्स माइनस क्यू टू चार्ज होगा। और प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू से अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ई नेट एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई वन प्लस वेक्टर ई टू प्लस वेक्टर ई थ्री, जब मैग्नीट्यूड में रखेंगे तो ई नेट एट पॉइंट ओ, तो ई नेट इज इक्वल टू वेक्टर ई वन प्लस वेक्टर ई टू प्लस वेक्टर ई थ्री। तो मतलब किसी बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सभी के कारण उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होता है, इक्वल होता है, वही यहां पे किया गया है। ये तो तीन के लिए मैंने फिगर बनाया, तो ये लिख दिया, और वो फिर मैं लिख रहा हूं फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, अगर यही एक दो तीन ना होके एन होते तो आंसर हमारा क्या आता, तब भी ई नेट इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस वन, मतलब जितना टर्म लेंगे उतना आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ये फार्मूला आया। तो इस टाइप से किया जाता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वाली थ्योरी ये हुई। अब इसमें जेई में जो न्यूमेरिकल लगाया जाता है वो इंटीग्रेशन मेथड से लगाया जाता है, तो ये मैं नोट में आपके लिए लिख दिया हूं। इफ इफ द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस चार्ज होता है, जैसे ये कोई रिंग दे दिया उस पर प्लस क्यू चार्ज वितरित है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस टाइप से वहां कूलाम का नियम लगा लगा के नहीं आता है। तो आगे इसके डेरिवेशन किया जाएगा, जरूर समझाएंगे, कुछ न कुछ थ्योरी देंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट।
तो वो जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में देखें, इफ द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस वी कैन यूज द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब हम लोग जो तरीका यूज करेंगे इंटेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने का वो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, जिस बिंदु पे चाहेगा वहां जो है हम लोग इंटीग्रेशन मेथड की सहायता से इंटीग्रेशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। तो आप बच्चों इसे उतार लीजिए, तो हाँ विद्यार्थी वो मेन पॉइंट्स जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर जितना हमें इकट्ठा समझ में आया उतना हम लिख दिए हैं आपके लिए, और उनको आप समझ लें और दिमाग में बैठा लें और कॉपी पे नोट बना लें। देखें मेन पॉइंट क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के संबंध में, तो चार्ज पार्टिकल ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स, चार्ज पार्टिकल जो होता है ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल सदैव जो है बल का अनुभव करता है, सदैव बल का अनुभव करता है। इधर यद्यपि इट इज एट रेस्ट और इन मोशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जो है फोर्स का अनुभव करता है, चाहे एट रेस्ट पर हो और मोशन पर है। रेस्ट पे है तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करेगा, मोशन की दशा में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों वर्क करेगा, लेकिन फोर्स का अनुभव जरूर करेगा वो। ये पॉइंट है, बहरहाल सब जानते हैं फिर भी पॉइंट के रूप में इकट्ठा कर देने से नॉलेज जो है दोबारा रिपीट हो जाता है। चलिए एक पॉइंट ये क्लियर हुआ आपका, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट भी हम आपको बता चुके हैं लेकिन यहाँ पॉइंट के रूप में लिख दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक। अभी हम लोगों का फार्मूला आया बच्चों इज इक्वल टू के सॉरी 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये अगर ई मीडियम वाला है तो ये आएगा क्या, ई नॉट अपान के आएगा। अब देखिए ई नॉट अपान के आएगा, एक एयर वाला है ये मीडियम वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। और k की वैल्यू के एयर और वैक्यूम के अतिरिक्त जितने हैं सबका मान जो है एक से अधिक होता है। तो देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस, मतलब उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स एंड बिकम्स 1/k टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का क्या हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाता है। तो हमें लगता है ये लाइन आपको क्लियर हो चुका होगा। दूसरा पॉइंट तो जो कि हम बता चुके हैं, एक और बच्चों एक और पॉइंट ये क्लियर करिए, थोड़ा इसके लिए हम जगह भी कर देते हैं। तो यहां देख रहे हैं ये पॉइंट लास्ट वाला, कह रहा है इफ आइडेंटिकल चार्ज आर प्लेस्ड ऑन ईच वर्टिक्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन जैसे ये है या षष्ठभुज आप ले लीजिए ये, तो यहां पे ये कह रहे हैं चार्ज रख दिया जाए चारों तरफ, यहां चार्ज रख दिया जाए तो इस बिंदु पर जो होता है इस बिंदु पर वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो जीरो होता है। ये समझा रहा है इफ आइडेंटिकल चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन ईच वर्टेक्स, ये ईच वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, देन ई नेट इक्वल टू जीरो एट सेंटर। सेंटर पर ई नेट का मान क्या होता है, सेंटर पर ई नेट का मान क्या होता है, जीरो। यहां पे भी ई ओ कह देते हैं, ये कितना होगा, जीरो। सेंटर पर जो है ई नेट का मान क्या होगा, इस टाइप से कोई हो रेगुलर पॉलीगॉन तो उसके सेंटर पर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है। तो क्योंकि यहां पर क्या नेट फोर्स जीरो होगा, तो फोर्स जीरो होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अरे भाई ई बराबर
एफ अपान क्यू नॉट आप यही तो जानते हैं। जब यहाँ पर फोर्स जीरो है, इससे पहले थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो होगा। तो हम समझते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हाँ विद्यार्थी, एक अंत में एक न्यूमेरिकल भी हम लगा लेते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल मिला है। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट जीरो जीरो, पॉइंट जीरो जीरो मतलब ओरिजिन या एक्स एक्सिस वाई एक्स, ये फिगर दिया हुआ नहीं है, ये मैं खींच दिया हूं, न्यूमेरिकल इतना ही है, इतने से ही आपको समानुमान लगा लेना है। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट जीरो 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 मतलब ओरिजिन, ये क्यू यहाँ पे जीरो जीरो है। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, बी मतलब यहाँ एट बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया है एक्स कामा वाई इन वेक्टर फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है बिंदु बी पर और वो भी वेक्टर फॉर्म में ज्ञात करना है बच्चों। तो हम लोग आसानी से लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स है तो इसका मतलब कितना है, ये लेंथ एक्स होगा और ये लेंथ वाई होगा, तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा एक्स आई कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा इतनी डिस्टेंस कितना है वाई है, तो ये हो जाएगा वाई जे कैप वेक्टर फॉर्म में। तो एक्स आई कैप धन वाई जे कैप इजल टू ओ बी या आर वेक्टर। तो फिगर से पता चल रहा है बच्चों कि आर वेक्टर इजल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा, तो ये होगा। और इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेते हैं, आर बराबर कहें या मॉड वेक्टर आर कहें, दोनों एक ही बात है, तो ये हो जाएगा आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर का रूट होता है, तो ये आर हो गया बच्चों। अब यहां पर जो प्लस क्यू चार्ज है ओरिजिन पर, इसके कारण पॉइंट बी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है, चाहे के लिखें या वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर, तो होता है, ये हो गया। लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में पूछा है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए ये करना होगा आपको, यहां आर लगाना होगा, आर कैप यूनिट वेक्टर लगाना होगा। तो चलिए लिखते हैं, तो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर के मॉड वेक्टर आर की स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर आर कैप का स्थान पे वेक्टर आर अपान मॉड वेक्टर आर हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर ये आर आर क्यूब हो जाएगा, तो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा क्यू अपान मॉड वेक्टर आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। लेकिन आर तो हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, जाहिर है आर के स्थान पे हमें एक्स वाई के टर्म में आंसर देना चाहिए, तो वही एक्स वाई के टर्म में आप लिख दीजिए, तो वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान ये वेक्टर का मान कितना है, इतने का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब हो जा रहा है, एक मिनट ध्यान दे ये है, सॉरी ये स्क्वायर था एक, ये आर क्यूब वहां पे है, और मॉड वेक्टर आर इक्वल टू है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसका घातीय कितना है थ्री, और आर वेक्टर का मान कितना है, आर वेक्टर का मान एक्स वाई टर्म में, क्योंकि आर हमें नहीं दिया गया है, हमें एक्स वाई के जो क्वेश्चन में वैल्यू हो उस टर्म में आंसर होना चाहिए ना, तो यहां लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये बहुत अच्छा सवाल था बच्चों, ये आंसर आया। आप चाहे तो अंडर रूट टू को वन बाई टू लिख देंगे तो थ्री बाई टू हो जाएगा, और ये भी लिख सकते हैं वेक्टर ई इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इसके स्थान बार बार कह रहा हूं स्मॉल लेटर में के लिख दिया कीजिए, भीड़ से बच जाएंगे, इनटू कैपिटल क्यू अपान ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, और ये आपका वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये बच्चों बहुत अच्छा सवाल था, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल केवल इतना ही, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट जीरो जीरो, ये क्यू जो है जीरो जीरो ओरिजिन पर है, और कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, और जिसका
कोऑर्डिनेट दिया है एक्स वाई, जिसका मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स खाना चला हुआ, वाई एक्सिस पे एस वाई, और तभी यहाँ निर्देशांक आया होगा। तो एक्स एक्सिस के लिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स आई कैप हो जाएगा, ये लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो वाई जी कैप होगा। तो ओबी वेक्टर जो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप, आर के रूप में अगर मानते थे ये। लेकिन आंसर में आर नहीं होना चाहिए, आंसर में हर जगह एक्स वाई ही होना चाहिए, क्योंकि उसी में वैल्यू ज्ञात है। तो आप बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।